भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किए जाने को लेकर आगाह किया है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि इससे राज्यों के स्तर पर राजकोषीय परिदृश्य को लेकर बड़ा जोखिम है और आने वाले वर्षों में उनके लिए ऐसी देनदारी बढ़ेगी जिसके लिए पैसे की व्यवस्था नहीं है। RBI ने राज्य वित्त 2022-23 के बजट का अध्ययन शीर्ष से अपनी रिपोर्ट में यह बात ऐसे समय कही है जब हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने महंगाई भत्ते से जुड़ी पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करने की घोषणा की है। इससे पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड ने केंद्र सरकार तथा पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण को OPS बहाल करने के अपने निर्णय के बारे में जानकारी दी है। पंजाब सरकार ने भी राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए OPS लागू करने के संदर्भ में 18 नवंबर 2022 को अधिसूचना जारी की है। यह कर्मचारी अभी नई पेंशन प्रणाली से जुड़े हैं। 1 जनवरी 2004 से लागू नई पेंशन प्रणाली अंशदान आधारित पेंशन योजना है। इसमें कर्मचारी के साथ साथ सरकार भी अंशदान देती है। वहीं पुरानी पेंशन व्यवस्था में कर्मचारी की पेंशन सेवानिवृत्त से पहले लिए गए अंतिम वेतन का 50% होता है। यह पूरी तरह राशि सरकार की तरफ से दी जाती है। RBI रिपोर्ट के अनुसार कुछ राज्य पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की बात कर रहे हैं। इससे राज्य के स्तर पर राजकोष के परिदृश्य को लेकर एक बड़ा जोखिम बना रहा है। इसके अनुसार वर्तमान खर्चों का भविष्य के लिए स्थगित करके राज्य आने वाले वर्ष में पेंशन मद में ऐसी देनदारी पैदा करेंगे जिसके लिए वित्त की व्यवस्था नहीं है। कई अर्थशास्त्रियों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से लागू करने को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि इससे राज्यों के वित्त पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। पूर्ववर्ती योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे मोटंके सिंह अहवालिया ने हाल ही में कहा है कि OPS को फिर से लाना बड़ी रेवड़ी होगी। RBI रिपोर्ट के अनुसार राज्यों ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट में राजस्व खर्च में वृद्धि की। इन खर्चों का मुख्य रूप से पेंशन और प्रशासनिक सेवाओं जैसे गैर विकासात्मक खर्च शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा प्राकृतिक आपदाओं के लिए बजट घटाया गया है। आवास क्षेत्र के लिए प्रावधान बढ़ाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ब्याज भुगतान, प्रशासनिक सेवा पर खर्च और पेंशन मद में व्यय 21-22 की संशोधन अनुमान से कुछ अधिक रहने का अनुमान है। आपको क्या लगता है, पुरानी पेंशन लागू होने से क्या राज्य की जो वित्त व्यवस्था है वो गड़बड़ा जाएगी कि राज्य को घाटा बढ़ जाएगा? अपना कमेंट करके जरूर बताएं। इसके लिए बस इतना। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।